क्या आप भी पुराना नाश्ता करते करते हो गए बोर? तो चलिए कुछ नया बना लेते हैं। तो इसके लिए 2 कप आटा ले लेंगे, उसमें अजवाइन ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके बाद पाउडर मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे 1 पिंच के करीब, और आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और ये सौंफ का पाउडर ऐड कर देते हैं। इसके बाद 2 हरी मिर्च जिन्हें हमने बारीक काटा है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये हमने अदरक ले लिया है जिससे कि इस तरीके से ग्रेट करके ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ये 2 गार्लिक की जो हमने बारीक काटा हुआ था, और 4 आलू उबले हुए ले लिए हैं, उसे भी हम इस तरीके से ग्रेट करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की हेल्प से इन्हें अच्छी तरीके से हम आपस में मिक्स करेंगे जिससे आलू जो है आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, और ये जो हरे धनिए की हमने चटनी बना के रखी हुई है उसे इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। ये सिंपल चटनी हरे धनिए, टमाटर और नमक डालकर हमने बनाई थी। अब हम आवश्यकता अनुसार पानी डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो झटपट से हमने अपना डो भी तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा जो डो बन के तैयार है। अब इसे लगभग 2 मिनट तक इसी तरीके से हम हाथों की हेल्प से मसलते हुए गुथ लेंगे जिससे कि इसमें एक लचीलापन आ जाएगा। तो जो हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने वाले हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो लीजिए हम ले लेते हैं इसकी 1 लोई और इसे अब एक रोटी की तरह बेल लेना है। तो हम इसे इस तरह रोटी की तरह बेल लिया। इसके ऊपर हम लगा लेंगे 1 चम्मच की हेल्प से तेल। तो इसे अब दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये एक लिफाफा जैसा हमारा बन गया है। अब इसे हम बेल लेंगे। तो लीजिए हमने जो हमारा लिफाफा पराठा है बनाकर तैयार कर लिया है। इसे तवे पर ऐड कर देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तो इसे पलट देंगे और इस साइड तेल लगा लेंगे। ये जो पराठा है तेल से बहुत सॉफ्ट बनता है। तो इस तरीके से ट्राई करें। आप चाहे घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरे साइड भी पलटकर हम यहाँ पर इस पर तेल अप्लाई कर देंगे। तो अब एक स्पेचुला की हेल्प से दबाते हुए दोनों साइड हम अच्छे से सेक लेंगे जिससे कि हमारा जो पराठा है चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा, कहीं भी कच्चा ना रहे। तो लीजिए हमारा जो पराठा है वो सिक कर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हम दूसरा पराठा तवे पर डाल देते हैं, उसे भी इस तरीके से पलटकर उस पर तेल लगा लेंगे और दूसरे साइड भी इस तरीके से तेल लगाकर एक स्पैचुला की हेल्प से इसे भी दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। और इस तरीके से हम अपने सारे आलू के लिफाफा पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो झटपट वाला नाश्ता है बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसे कुछ नए तरीके से हमने बेलकर बनाया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर